छह इंच का इंसानी कंकाल कहाँ मिला और कैसे आया वहाँ पर? मच्छर लोगों को फॉलो करते हुए सर पर क्यों मंडराते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब हो गए थे गायब, लेकिन कैसे? जानेंगे इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फोमेटलक्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और आप किसी भी अनदेखे फैक्ट्स को मिस ना कर पाए। तो चलिए करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 5, जब लोग दिन भर काम करके शाम को निकलते हैं तो मच्छरों का झुंड उनके साथ साथ चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो भी जेब कतरों की तरह आपको लूटने आते हैं? अरे ऐसा नहीं है, आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल ज्यादातर शाम के वक्त आपके शरीर में कुछ खास पदार्थ बनने लगता है, जिस वजह से मच्छर लोगों को फॉलो करते हुए आने लगते हैं, क्योंकि वो खास पदार्थ उनके लिए परफ्यूम का काम करता है। वैसे आपको बता दूं कि मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसे में आपको ये वजह जाननी चाहिए कि मच्छर आपकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं और जो परफ्यूम बनता है कैसे निकलता है। दरअसल इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो मच्छर को आपकी तरफ आकर्षित करती है। मच्छर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर की दूरी पर ही इंसानों के बारे में पता लगा लेते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध को पसंद करते हैं और इसके अलावा हेयर जेल और मच्छरों को इंसान का पसीने की जो गंध होती है वो भी परफ्यूम का ही काम करती है। तो दोस्तों इसीलिए शाम के वक्त मच्छर आपके सर की परिक्रमा लेते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, साल 2003 में चिली अटैकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसी साल 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इस कंकाल के शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के ही सेट थे। और ऐसी कौन सी बीमारी इसे थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, नंबर 3। दोस्तों इंसानों का शरीर किसी रहस्य से कम नहीं है। लाखों कोशिकाएं, बहुत सारा खून, सैकड़ों हड्डियां और तमाम चीजें हमारे शरीर को खड़ा रखने में मदद करती हैं। मगर कई क्रियाएं ऐसी हैं जिसे हम लगातार करते रहते हैं लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। ऐसी ही एक क्रिया है सांस लेना। इसके बिना तो हम अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक इंसान 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? तो चलिए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों सांस एक ऐसी क्रिया है जिसे हम 24 घंटे करते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 16 बार सांस लेता है। इसका मतलब है कि हम एक घंटे में 960 बार सांस लेते हैं और एक दिन में करीब 23,040 बार सांस लेते हैं, और अगर इसी साल में जोड़ दें तो यह करीब 84,09,600 हो जाएगा। मतलब ये कि एक साल में हम इतनी बार सांस लेने की क्रिया करते हैं, काफी अमेजिंग है। क्या ये वाला फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट में बताइएगा हाँ या ना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। लेकिन पोलोक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई साल 1957 को 11 साल की जोआना पोलोक और 6 साल की जैकलिन पोलोक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद एक साल बाद उनकी माँ ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसी दाग थे जो जोआना और जैकलिन के भी थे। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो गिलियन और जोआना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर और जैकलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे, जैसे गिलियन और जोआना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी के सभी हैरान थे। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछले जन्म की यादें भी कम होती चली गईं। वैसे दोस्तों आपका पुनर्जन्म पर क्या सोचना है? क्या सच में ऐसा होता है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। हारोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे,
लेकिन साल 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वो अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था कि कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई आज भी रहस्य ही बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे खास लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। आपकी कमेंट हमारे लिए काफी प्रेरणादायक होते हैं। और वीडियो आपको मजेदार लगी हो तो अपने चाहने वाले दोस्तों आदि के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।